पता नहीं साल आज का दिन ही खराब है, तीन एक्सेसरीज लेने के लिए निकला था, एक भी एक्सेसरी मिली नहीं है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। तो एक काम करता हूँ, ये जब से नया कैमरा आया ना तब से मेरा बहुत ही मन था व्लॉग करने का इससे, और कल मैं पूरे दिन वेट कर रहा था कि इससे व्लॉग करूँ। बट कल मैंने आधा व्लॉग शूट भी किया था, बट ऑफिस का जो मेरा और अंजलि का काम था वो लेट तक बहुत चला। मैं कुछ 7 बजे फ्री हुआ, अंजलि कुछ 8 बजे फ्री हुई, और हमारा जो इवनिंग का वॉक है वो भी हम नहीं कर पाए, और इसीलिए व्लॉग पूरा ख़त्म नहीं कर पाए, तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। बट आज सुबह पता नहीं कैसे क्या हुआ, हम दोनों 6:30 उठ गए, और हमारी जो वॉक है मॉर्निंग की वो इतने महीनों के बाद आज हमने स्टार्ट की है। लेट्स होप कि वो स्टार्ट ही रहे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में मैं जो आपको ट्रिप की बात कर रहा था वो 95% फाइनल हो गई है, बस एक दो काम बचे, अगर वो हो जाते हैं तो 100% फाइनली हम लोग सैटरडे जा रहे हैं एक वन डे ट्रिप के लिए, और आपको चैनल पर फाइनली ट्रिप्स के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो अगर ट्रिप फाइनल हो गई तो मुझे भी 2-3 काम है, इस कैमरे के लिए बैटरी एक्स्ट्रा लेनी है, एक और चीज़ लेनी है, और मुझे भी शेविंग करवानी, तो काफी सारे काम भी पेंडिंग है। आज फ्राइडे है तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि कल सैटरडे मॉर्निंग में हम लोग निकल सकते हैं अगर 100% फाइनल हो गया तो। और एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच जो आप मॉरिशस सीरीज में और राजस्थान सीरीज में इतना अपना प्यार दिखा रहे हो, और स्पेशली जो सिटी पैलेस का वीडियो है उसमें कुछ 65,000 प्लस व्यूज होने वाले हैं अभी, और हमारा जो गिफ्ट सिटी वाला वीडियो जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज था हमारी चैनल पे, उसको कब से क्रॉस कर लिया है उसने। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतनी जल्दी वो उसे क्रॉस कर लेगा। आई नो डेफिनेटली मुझे पता था कि वो वीडियो चलेगा, बट इतनी जल्दी वो क्रॉस कर लेगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो अगेन थैंक यू सो मच। और ये रही अंजलि यहाँ पे वॉशिंग मशीन के साथ खेलते हुए, कब से लगा रही है, मेरी टेक्निक होती है। क्या टेक्निक है, साथ में गोल गोल तो नहीं घूमती तू वॉशिंग मशीन में हाथ लगा के गोल गोल तो नहीं घूमती तू कपड़े? ठीक है चल, फिर हमें चाय नाश्ता भी करना है, पूजा करेंगे फिर। और मैंने सोचा कि अकेले मैं ही बोल रहा हूँ तो तुझे भी थोड़ा व्लॉग में ले लेता हूँ मैं। हाँ कृपया आपकी। हाँ लोगों को लगे पता नहीं कहाँ छोड़ दिया उसे। हाँ और क्या, मुझे तो इंक्लूड ही नहीं करता। पर यहाँ पे अभी तो व्हाइट नहीं आ रही, गोरी नहीं आ रही, ब्लैक आ रही, बहुत लाइट ज्यादा लग रही है। ठीक है चल, तो दूसरे एंगल पे दूसरी जगह पे तब तुझे शूट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। तो हमारा पनीर सैंडविच का मसाला इज रेडी, अब सिर्फ बारी है सैंडविच बनाने की। ये बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सैंडविच, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और हमें लग रही है भूख, बिकॉज मेरा फिर कॉल होता है, मैं बिजी हो जाती हूँ, उससे बेटर मैं इसको पहले बना लेते हैं। और पनीर सैंडविच बनाना बहुत ईजी है, लिटरली बोल रही हूँ, मैं आपको रेसिपी नहीं बताने वाली। बीच बीच में ऐसे ही एक एक ब्रेड तो ऐसे ही ठूस लेती है। तूने भी तो खाई है ना। हाँ पर ब्रेड हम लोग सैंडविच बना रहे हैं तो ये देखो, ये इसलिए तो ज़्यादा बनाती है ना। तो पनीर एक होता है, हम कम ब्रेड खाते, तो मैं क्या करूँ, वेस्ट तो ना कर सकता। आजा मुझे दे दे मुझे, अरे बाप रे मुझे देना था, शर्म आ रही है, अब बस करेगी खड़े खड़े। तूने 2 ब्रेड तो यहीं खा ली, अब क्या खाएगी तू? बस तो कल का जो प्लान है वो फाइनली बन गया है पूरा। सुबह 8 बजे हम निकलने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको कल ही पता चलेगा, बट इसीलिए अभी 6:30 हुए और मैं फटाफट निकल रहा हूँ। मेरे कैमरा के लिए एक्स्ट्रा बैटरी और उसका जो मेमोरी कार्ड रीडर है और एक और चीज़ है कवर शायद, वो तीनों मिल जाए तो लेने, क्योंकि कल हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी निकलता हूँ क्योंकि शॉप जो है वो 7 बजे बंद हो जाती है। अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ, 6:15 हो चुके हैं, 6:30 हुए, मुझे लेट भी हो रहा है और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। लेट्स होप कि ज़्यादा बारिश ना हो, शॉप बंद ना हो जाए, अदरवाइज़ कल क्या करेंगे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैटरी एक ही है, दूसरी तो मुझे किसी भी हिसाब से आज देनी है। और बारिश अभी धीरे धीरे है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स होप कि इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो अभी यहाँ पे बैटरी के लिए मैं आया था पर बैटरी कहीं भी नहीं मिल रही है, तो बोल रहे हैं कि अहमदाबाद में मिलेगी। लेट्स सी, नहीं मिली बैटरी तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, बहुत ही स्लीपरी है और बारिश भी हो रही है,
तो मैं चलता हूँ अभी अंदर कार में और निकलते घर की ओर। पता नहीं साला आज का दिन ही खराब है, 3 एक्सेसरीज लेने के लिए निकला था, एक भी एक्सेसरी मिली नहीं है और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल डलवा के निकल जाता हूँ घर की ओर। आशु का कॉल आया था, बोल रहा है एक जगह पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी चेक करके निकलते हैं। तो जल्दी अंदर बैठता हूँ मैं, और कैमरे में भी पानी जा रहा है, आज कैमरा ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं लेने को गया था 3 चीज़ें, एक चाहिए थी मुझे एक्स्ट्रा बैटरी जो मुझे नहीं मिली, उसके अलावा मुझे चाहिए था पूरा एक बड़ा सा केस जिसके अंदर मैं कैमरा बैटरी चार्जर सब रख सकूँ, वो भी नहीं मिला। और तीसरी जो चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी वो थी एक अलग सा केबल चाहिए था जिसके थ्रू मैं कार में कैमरा की बैटरी चार्ज कर सकूँ, तो वो केबल भी मुझे नहीं मिला है। तो 3 चीज़ें थी, तीनों में से कोई भी नहीं मिली है। और ऐसा बोल रहे कि आपको सिर्फ गांधीनगर में तो नहीं मिलेगी, आपको अहमदाबाद जाके लेना पड़ेगा। अब मुझे लगता है ट्रिप में क्या करेंगे देखते हैं। आशु ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया अभी कि हम लोग जो पावर बैंक है उससे चार्ज कर सकते हैं कैमरा डायरेक्टली, बट आई डोंट नो कि वो कितना एफिशिएंट होगा, कितना फास्ट चार्ज करेगा। उसके अलावा मेरे पास गोप्रो है, सो वी कैन यूज़ दैट इन द डे टाइम, बट मुझे यार एक बार ना कैमरे से पूरी ट्रिप को रिकॉर्ड करना था, देखना था कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है। अब देखते हैं कल क्या होता है। One hour later. Okay, so guys, एक फाइनल अपडेट है, जो मैं सुबह आपको बोला था कि 95% फाइनल है वो अभी 0 हो गया है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि हमें कल एक दो काम के लिए गांधीनगर में रहना ज़रूरी है। हमारा जो टीवी है वही कल ही रिपेयर होगा। आज मुझे उसका कॉल आया था कि कल आप रहना घर पे, वो बंदा आ जाएगा, क्योंकि आईसी उसकी बाहर से मंगवाइए तो कल डिलीवर होगी मेरे घर पे, तो यहीं पे फिट करना है। दूसरा जो मेरा वैक्सीनेशन का स्लॉट है वो भी कल ही बुक हुआ है, तो उसके लिए भी मुझे गांधीनगर में ही रहना पड़ेगा। और एक और थोड़ा सा पर्सनल काम है। सो 3-4 चीज़ें हैं जिसके लिए हम दोनों को कल गांधीनगर में रहना पड़ेगा। सो अनफॉर्चुनेटली हम कल नहीं जा पाएंगे। जहाँ पे जाना है वो जहाँ से नज़दीक इतना दूर नहीं है, बड़ौदा के पास ही है। सो वी आर प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक पे जा भी पता नहीं वहीं पे जाएंगे या फिर किसी और प्लेस पे जाएंगे, डेफिनेटली वहीं पे जाएंगे। बट फॉर नाउ अभी तो प्लान कैंसिल हो गया, कल मेरा वैक्सीनेशन है तो फिर वो होगा, तो उसका व्लॉग जरूर आएगा, तो वो देख लीजिएगा। और फिर संडे देखते हैं, प्लान करें कोई चैलेंज वीडियो अगर करने का, तो सैटरडे संडे व्लॉग्स तो आएंगे डेफिनेटली। ये वाला भी व्लॉग है वो सैटरडे आएगा, सैटरडे संडे भी हम व्लॉग शूट करने वाले हैं, तो व्लॉग तो आएंगे ही। अब कब प्लान बनता है ट्रैवलिंग का वो देखते हैं। अभी हम दोनों तो बहुत सैड है क्योंकि इतनी प्रिपरेशन कर ली थी हम दोनों ने, और सोच भी लिया था कि कैसे शूट करना है, क्या करना है, ये वो सब कैमरे की। अब ठीक है, अब कोई बात करके मीनिंग नहीं, उसका प्लान कैंसिल ही हो गया। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करें बगैर बिल्कुल मत जाना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू फाइनली देने के लिए।